कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने जीके के सुपर 30 सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और जिसमें आपको डेली 30 क्वेश्चन मिलेंगे। और आज आपके 30 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर एक, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। प्रश्न नंबर दो, संविधान सभा का गठन किसकी संतुति पर किया गया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना की संतुति पर। प्रश्न नंबर तीन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो किस पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के विषयों पर। प्रश्न नंबर चार, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है? आपका राइट आंसर एक माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संतुति पर किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग की संस्तुति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं निर्णय में कार्य करता है? आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? राइट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वाद में दी थी? आपका राइट आंसर केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? आपका राइट आंसर संसद को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? आपका राइट आंसर 50 सदस्यों द्वारा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यह इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? आपका राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है, तो किसको प्राप्त है? आपका राइट आंसर संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस विधेय पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से
हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और यह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो आपका राइट आंसर क्या है? वित्त विधेयक पर। दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद कुलदीप सर पे मिल जाएगी। आप जाके स्टडी विद कुलदीप सर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? आपका राइट आंसर राज्यसभा का। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? आपका राइट आंसर संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय पर। नेक्स्ट प्रश्न, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? आपका राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? राइट आंसर तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। नेक्स्ट प्रश्न, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? आपका राइट आंसर खुला मतदान। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? आपका राइट आंसर निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? आपका राइट आंसर वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? आपका राइट आंसर राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राइट आंसर राष्ट्रपति जी के पास। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? आपका राइट आंसर 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की कि वह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? आपका राइट आंसर केटी शाह ने। आज का अंतिम प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है? आपका राइट आंसर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो थैंक यू दोस्तों आज की क्लास देखने के लिए, और अगर किसी भाई को पीडीएफ चाहिए है जो यहाँ पे क्लास होती है उसकी पीडीएफ आपके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।